जनपद संभल के थाना धनारी क्षेत्र के ग्राम सेमला बोर्ड के रास्ते में वीरपाल पुत्र अतर सिंह उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम औरंगाबाद के मड़ैया थाना धनारी जनपद संभल का शव मिला था, जिस संबंध में वादी वीरेश औरंगाबाद की मड़ैया की तहरीर के आधार पर वादी के तहरे भाई वीरपाल की गला दबाकर हत्या कर देने के संबंध में थाना धनारी पर पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक जनपद संभल चक्रेश मिश्रा व अपर पुलिस अधीक्षक जनपद संभल आलोक कुमार जयसवाल के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी गुन्नौर जनपद संभल राकेश सिंह के कुशल नेतृत्व में जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक थाना धनारी मुकेश कुमार ने मैं हमराह पुलिस टीम के अभियुक्त गण स्वराज रामदास को ग्राम ढेरिया चढ़ाए से मैं आला कतल गमछे के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त स्वराज ने पूछताछ में अपने भाई के हिस्से की 13 बीघा जमीन को अपने नाम कराने के लिए अपने भाई की हत्या करना स्वीकार किया है। धनारी के अंतर्गत 19 अक्टूबर के दिन एक व्यक्ति, इसका नाम वीरपाल है, जाति यादव, उम्र लगभग 40 वर्ष, इनका औरंगाबाद की मड़ैया के पास में इनका शव बरामद हुआ था। शव की पोस्टमार्टम पर जानकारी हुई कि उनको स्ट्रैंगुलेशन से हत्या की गई है। इसमें नेम्ड FIR स्वराज पुत्र अतर सिंह और रामदास पुत्र रामकरण, इनमें से स्वराज इस मृतक का भाई है और रामदास इसके जो भाई है उसका समधी है, इन दोनों को आज गिरफ्तार किया गया है। 48 घंटे के अंदर इस केस को वर्कआउट करते हुए हम लोगों ने इन दोनों को आज माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इसमें यह जानकारी हुई पूछताछ में कि इनके द्वारा आपस में जमीन के लेन देन को लेकर विवाद था। दोनों भाइयों में से एक भाई का ये कहना था कि उस दूसरे ने गांव में शराब के नशे में बहुत सी जमीन हमारी बेच दी है, इस कारण से इन्होंने एक सुनसान स्थल पर इसको बुलाया और उसके बाद गमछे से गला घोंटकर इसकी हत्या की। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और आगे की कार्रवाई पिछले। धन्यवाद।